प्रयागराज जिले के करछना तहसील कोंधियारा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा उमरी ताल का पुरवा के मजरा तेवरिया कला के प्रधान सोहन लाल सोनकर और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी कविता यादव कायाकल्प के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य में धांधली हुई है। विद्यालय में रास्ते का निर्माण नहीं हुआ, हैंडपंप पाइप खराब है, चार दीवारी तैयार नहीं हुई है और विद्यालय के अंदर तार की वायरिंग नहीं हुई है। विद्यालय में मिड डे मील के तहत छावनी की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय की बाउंड्री शुरू की गई, जो भी किसी कारण से बाउंड्री वर्क को रोका गया और अन्य सामग्रियां ग्राम प्रधान सोहन लाल सोनकर अपने घर उठा ले गए। विद्यालय के बाथरूम में दरवाजा नहीं है। गांव में जितने भी शौचालय बने हैं वो अपूर्ण हैं। कुछ लोगों का नाम शौचालय लिस्ट में होते हुए भी उनको शौचालय नहीं दिया गया। जिनका सूची में नाम है कुछ इस प्रकार है: राजकली पटेल, मालती, शांति पटेल, इंद्रजीत पटेल, लालचंद यादव और लोग हैं जिनका नाम नहीं बताया गया है। सुरेश कुमार सोनकर, जो कि विद्यालय की देखरेख करते हैं, उन्होंने ही ये सब लिखित कार्यवाही रजिस्टर द्वारा बताई गई कि किस प्रकार से हमारे ग्राम सभा के प्रधान और सेक्रेटरी कविता यादव द्वारा ग्राम सभा का सारा विकास कहा गया। उस गांव की गरीब जनता परेशानी में है, इसका हल कैसे निकले? वहां के लोग माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो भी विकास कार्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में भेजे गए, वहां के प्रधान सोहन लाल सोनकर और ग्राम पंचायत अधिकारी कविता यादव द्वारा उस गांव का सारा विकास कार्य कागजी कार्यवाही पर ही करके सारे लोगों का विकास गमन हो गया। गरीब जनता अपनी शिकायत दर्ज कराए तो कहाँ कराए। वहां के लोगों ने मीडिया का सहयोग मांगा और मीडिया ने अपना बखूबी कार्य को निभाने की जिम्मेदारी उठाई। अपना पार्श्व बताइए। मैं आजाद लाल सोनकर, तेवरिया कला और उमरी ताल का पुरवा, ग्राम पंचायत है। सोहन लाल सोनकर ग्राम प्रधान है। राज वित्त और 11वां वित्त 14वां वित्त के जो पैसा आया है एक बार काम करके और तीन तीन बार पैसा निकाले हैं और तालाबों का पैसा 672 नंबर का एक बार खुदाई हल्के में करके तीन बार पैसा ग्राम प्रधान ने निकाल रखे हैं। केवल 16 से लेके 17 तक में यह तरीके का कारनामा और यहाँ WBM रोड कोई नहीं बनी है, न तेवरिया कला न उमरी ताल का पुरवा में, वो भी मतलब पैसा निकाला गया है, कहीं मिट्टी दिखा कर कहीं गिट्टी दिखा कर कोई कार्य किया नहीं गया है। और ग्राम सभा की पूरी जनता परेशान है और कहते हैं तो प्रधान कहते हैं तो पैसा नहीं है खाते में। और हमारे शौचालय के पैसा 2018 में ग्राम प्रधान ने निकाल कर उसको खा गए हैं, जो कि हमारे पास लिस्ट हमने इंटरनेट से निकलवाए है। और आय व्यय का ब्यौरा DPRO महोदय ने तीन बार आदेश किए खंड विकास अधिकारी को, हमको 2 साल का आय व्यय दिए और जो कार्य हुआ है जो पैसा शासन से चाहे प्रधानमंत्री भेजे हों चाहे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी महोदय भेजे हों, वो पैसा के 2 वर्ष का हमारे पास डिटेल है। और ये कभी उनको जो कहा जाता है यही कहते हैं खाते में पैसा नहीं है। और हमारे सोनकर बस्ती में अजय लाल के एक पैसे का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा 2016 से लेकर आवाज तक कोई कार्य नहीं किया गया है एक पैसे का। इसकी अजायब लाल जी आप कहीं शिकायत किए हैं? शिकायत इसको मतलब हमने खंड विकास अधिकारी कौंधियारा को दिए प्रार्थना पत्र और CDO महोदय के दिए, जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए, लेकिन वो ऑर्डर करके भेज देते हैं खंड विकास अधिकारी। पूर्व में जो खंड विकास अधिकारी थे वो सब दाब के बैठ गए, अभी वर्तमान में खंड विकास अधिकारी भी कौंधियारा में उनको चार्ज मिला है। और जो ग्राम विकास अधिकारी पहले थे सुशील त्रिपाठी थे और उसके बाद फिर अनिल दिनेश भारतिया आए, वो रहे 2 साल, वो काफ़ी पैसा गमन किए हैं। उसके बाद उनको DPRO महोदय से बताए, वार्तालाप हुई तो उनका ट्रांसफ़र कर दिए कौंधियार में। उसके बाद अतुल त्रिपाठी आए, 4-5 महीने थे, उसके बाद वो भी यहाँ से चले गए। इस समय आज 5 महीने से कविता यादव जो कि बारी बजहिया के हैं उमरी तालुका पुरवा से नज़दीक गाँव में, वो भी हिल्ला हवाली कर रहे हैं। काफ़ी पैसा शौचालय का जो विद्यालय के शौचालय था उसमें भी निकासी और सेम ईटा लगाए। हमने ADO पंचायत के पास फोन लगाए और SDM महोदय के पास फोन से बात किए। SDM महोदय ने खंड विकास अधिकारी को आदेश किए, वो फोन द्वारा अवगत कराए, तो उसमें ग्राम प्रधान सोहन लाल और कविता यादव ग्राम विकास अधिकारी मौके पर विद्यालय में आए आज 4 दिन पहले। और यहाँ देखकर जो सेम ईटा लगा जा रहा था शौचालय का उस पर कोई ध्यान न दिए और न रोक लगाए, यहाँ से देखकर चले गए।
इस गांव सभा में कम से कम 50-60 लाख रुपया का गमन किए हुए हैं और कोई यहां इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अधिकारी। सब मिली भगत से अधिकारी के, यहां का पैसा ग्राम सभा का विकास का, चाहे प्रांत सरकार दिए हो चाहे केंद्र सरकार दिया हो, सारे पैसे को मतलब कि यहां कम से कम 30% काम किया गया है, 70% में यहां धन का गमन किया गया है जी। बस ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा आवास दिए गए हैं, क्या उसका लाभ आप नहीं पाए हैं? नहीं पाए सर। कौन सा ग्राम सभा है? आपके यहाँ के प्रधान कौन से हैं? लल्लन प्रधान सोहनलाल। सोहनलाल सोनकर। तो ये बताइए, आप उनसे कहे हैं कभी? बहुत जान सर कहना मिले ना है तो हम कहाँ दे। तो ये बताइए, जाते हो उनके घर पर तो वो कुछ कहते हैं? कुछ नहीं सर, घर है रात के, उसके बाद कोठा चढ़ गया ना, पैसा पैसा मांगते हैं, कह 5-10 हज़ार जमा करो। हम गरीब मनाई है, कहा साहब हम पाएंगे। ये किस लिए पैसा मांगते हैं? कॉलोनी के लिए, आवाज देने के लिए। हाँ, आपसे पैसे मांगते हैं? हाँ, पैसा। लाइटिंग मिली है आपको? कुछ नहीं सर। आप अपना पूरी परिचय बताइए। हाँ, पूरी परिचय आप बताइए। राम बाबू पूरा। राम बाबू सुनकर। आपका ग्राम सभा ये कौन सा है? उमरी ताल का पुरवा तेवरिया कला। मेरे अधिकारी कहेंगे तभी होगा। फिर उसके बाद में हमने कहा कि तीसरी बार हमने कहा तो बंसल जी से मैंने फोन करके पूछा कि हमका सर आप कहाँ, कहें कि बोलिए क्या समस्या है। तो उन्होंने हमने कहा कि समस्या यह है कि मेरे प्राथमिक विद्यालय तेवरिया कला पर जो ऊपर से तार गया है दोनों भवन के ऊपर से, उसको हटा करके बगल कर दिया जाए, जिससे कि स्कूल खुलने पर बच्चे 4 बजे के बाद बच्चे ग्रामीण बस चढ़ करके उसमें क्षतिग्रस्त न हो सके। उन्होंने कहा ठीक है करवाएंगे, कल तार कटवाएंगे। 3 महीने से ऊपर हो गया, आज तक न बगल कर दिया गया न कोई। इसमें लाइट बराबर आती जाती है? बराबर लाइट है और 4 बजे के बाद बच्चे इस पे छत पर चढ़कर खेलते कूदते हैं और हम बराबर अक्सर उनको निगाहें दौड़ाते रहते हैं। इसलिए हमारे ग्राम सभा के निवासी हमारे ही बच्चे हैं और ग्राम सभा के कुछ लोगों ने जनता भी यहाँ पर ध्यान देती रहती है। अब ये कब तक ध्यान देगी? बच्चे किसी समय आकर के यहाँ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए तत्काल इसको पोल गड़वा करके इसको हटवा दिया जाए जी। मेरा यही निवेदन है। कौन सा है आपका गांव? कौन सा है? उमरी ताल का पुरवा तेवरिया कला। ये बता दिया, किसका बता दिया? प्रधान बताया था सोहनलाल सुनकर। ये तेवरिया कला किस में लगता है? उमरी। तुम्हारे यहाँ का प्रधान कौन से है? प्रधान का नाम बता। सोहनलाल सुनकर बोला। सोहनलाल सुनकर। अपना नाम बताइए। अपना नाम बताओ। हमारा नाम बाटी बनवारी लाल भैया और टेढ़ऊ का हाथी उर्फ टेढ़ई बोला कर। बनवारी लाल उर्फ टेढ़ई। हाँ हाँ टेढ़ई बोला। साफ साफ मतलब जो नाम है जो बोले चाहे। वीडियो में हमारे पिता फोटो नहीं हुआ। तो हाँ मैं जाए। और ठीक बात पहलवान दबा ना ऐसे टेंशन ना ले। मिले मिले बिल्कुल दादा जरा। वो तो बताए सब कबारी होती है तो कहीं के आप बताओ जैसे जो उनको कहाँ कार्य की बहुत वकान आई है। पहले जितनी लड़की गए हैं पहले उसको दिख रही है। अरे लड़की नोटिंग जो उन बताए तो लोग बहुत ऊपर है। आवो माइक लगाए। बना बना आवो 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 इधर आवो इधर यार माइक लगाए रहे बड़ा इनके खबर न चली। अच्छा बुकुरा इसे निकल जाओ कैसे? अरे ऐसे चला इसे आया ऐसे हवा दादा आप यहाँ नहीं आवे, आप खड़ा हो बताओ क्या आप आवे हैं? पूरा नहीं करें काम जो बड़का बोले आप। अच्छा उधर दादा खड़ा आप वहीं खड़ा हो जाए। ऊपर लिंटर भी नहीं पड़ा है।
अरे हो गया तन रिकॉर्ड कर ही ने खड़ा हो के बता दी के वही ना करे रिकॉर्ड नाम पूरा बता ना तो खोल खोल नाव बता प्रधान के नाव गांव पता प्रधान सोनलाल है चोरिया कला उमरी तालुका पुरवा समझी। अरे मैं ये लगाई रुक जा भाई बने रिकॉर्ड भैया पहले अपना परिचय बताइए आप नाम पूरा अपना नाम गाम बताइए चाचा जी हमारे नाम लाल भाजी भाजी चलू जो है मेरे लिए चाचा जी के नाम से राजेश लाइटिंग पूरा क्यों नहीं बनी है अब एक वही बता से कभी प्रधान जी है आपको आपके खाते में पैसा दिए थे कि सामान गिरवा बनवा रहे थे पहले एक बनवा रहे बाद में वो कहा से लड़का से पूछे पड़े बनवाई के चराई के रहे काल प्लास्टर करो चल रही कई महीना हो गया अरे तो हो चुके चार पाँच महीने अभी तक नहीं बना चले कंडीशन भाई पाँच महीने तो इसको खराब हुई ग्राम प्रधान से भी कहा गया ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कविता से भी कहा गया परंतु आती हैं कल ठीक हो जाएगा कल ठीक हो जाएगा मगर आज तक नहीं हुआ कितने दिन से आप कह रहे हैं ये मैं सालों से भी कह रहा हूँ बराबर मैं कह रहा हूँ और सारे अध्यापक हमारे ग्रामवासी भी यहाँ कह रहे हैं परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए सर ये बात है अगर स्कूल खुला होता तो छात्र कहाँ से पानी पी ये कितने दिन से बिगड़ा है सर कितने दिन से बिगड़ा है ये पाँच महीने के लगभग ये है आप अपना पूरा परिचय बताइए सुरेश कुमार सोनकर इसी ग्राम सभा का मैं निवासी हूँ और यहाँ का शिक्षा मित्र भी हूँ तो सुरेश जी आप ये बताइए कि यहाँ प्रधान और कभी ग्राम विकास अधिकारी या BDO आते हैं प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी पर अभी चार तीन दिन पहले आए तो मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया हूँ सारी बात को मैंने दिखाया हूँ रिकॉर्डिंग आप की मैंने रिकॉर्ड भी फोटो लिया और रिकॉर्ड भी किया हूँ